मुझे आज ये चीज प्रूव करनी है कि एक्सपोज सिर्फ टीवी शो नहीं है बल्कि ये एक रेवोल्यूशन है। बैठा लो ना, इसमें बिल्कुल भी ये मकसद मेरा ये नहीं है कि इंटरनेट कैफे वाले के जो ओनर है उसको जलील किया जाए या बिला वजह किसी को तंग किया जाए। मकसद ये है कि एक चीज गलत हो रही है उसे रोकना मेरा नहीं आप सबका भी काम है। आज ये कैफे बंद हो गया, अगर आइंदा ये खुलेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस वालों की नहीं है। वेलकम बैक एवरीवन। एक्सपोज्ड में जो आज केस डिस्कस हो रहा है, अभी आपने देखा हमने आज कोशिश की है कि आपको दो दो हिस्सों में एपिसोड ना दिखाएं, एक ही एपिसोड में जो भी कंक्लूजन है वो दिखा दें। एक इंटरनेट कैफे था जिस और इस तरह बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट आई कि इंटरनेट कैफे का मिसयूज हो रहा है। एक जमाने में इंटरनेट कैफे का बिजनेस बहुत मशहूर था, बड़े पैसे से जनरेट हो रहे थे, लेकिन इल्लीगल एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे इश्यूज हुए। कुछ लोगों ने कहा यूट्यूब पे हमारी इंटरनेट कैफेज में छुप के कैमरे लगाए होते हैं, जब कपल्स वहां जाते हैं तो उनकी वीडियो क्लिप्स बनाकर जो है वहां पर प्रॉब्लम्स करते हैं, और इस तरह जितने भी कपल्स अगर जाते भी तो जरा इधर उधर देख लिया करें, कैमरे लगे होते हैं, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन अपनी या खासतौर पर लड़के को इतना ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि वो लड़की की इज्जत का ख्याल रखे। इसी तरह कुछ इंटरनेट कैफे में बड़ी अजीब सी हरकतें हो रही है। इस इंटरनेट कैफे का मसला जिसको हमने बंद करवाया है और यहां से कुछ लोगों को पकड़ा भी है, अभी आप हमें कॉल करके बताएंगे कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए और उसके ऊपर पूरा एक जो है एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कमर साहब भी मौजूद है, वो भी हमें बताएंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं 325-1762 पर, और इसके अलावा wakarzaka@hotmail.com को अपने MSN पे ऐड करके चैट करके भी बता सकते हैं अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपके पास हो रही है। और 10,000 रुपए आप जीत सकते हैं अगर कोई भी करप्ट इवेंट आपके पास आसपास हो रहा है तो उसको अगर आप चाहते हैं एक्सपोज किया जाए तो आप हमें भेज दें, अगर वो चीज ऑथेंटिक होगी तो आपको मिल जाएगी 10,000 रुपए। अभी हमारे पास एक लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरी एक ओपिनियन है जी, वो ये कि इस आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में जितने भी नेट कैफे हैं, बल्कि मैं पूरे जितने भी पुलिस वाले सारों को मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी नेट कैफे हैं ना सारों पे ग्रेड मारे, ठीक है, चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं, इससे हमारा शूट खराब हो रहे हैं, उनके जैन खराब हो रहे हैं। सर थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, मैं अभी सवाल का आप जवाब देंगे सर। जी मैं बिल्कुल इनकी बात से मुतफिक हूँ और ऐसा होता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। आए दिन आप अखबारों में भी देखते होंगे और वैसे भी पता चलता है कि जहां भी इतला मिलती है खुद आप नहीं इतला का वेट क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये बताएं आप एक दिन एजेंडा क्यों नहीं बना रहे कि चले यार आज पूरे एक क्लीन स्वीप मारते हैं। अच्छा नहीं उसका मसला ये है कि एजेंडा ये है, पुलिस के पास बड़े टास्क होते हैं और इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस यकीनन रेड करती है, शिकायत पे भी रेड करती है, खुद से भी एक सिस्टम है जिसके तहत पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आती है और रेड होता है। पहले वेरीफाई करना जरूरी होता है कि जो अगर इंटरनेट कैफे है, सिर्फ वो शेक्सपियर का मकूला है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर इंटरनेट कैफे है और वो जरूरतों को केटर कर रहा है तो ऐसी जगह पर तो छापा नहीं मारा जाएगा। खुद इंटरनेट कैफे होना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है क्योंकि उसके बड़े एडवांटेजेस हैं। अगर आप ऑफिस से मूव कर रहे हैं, आपके पास टेक्स्ट ऐसा है जिसे ईमेल करना है, उसको एडिट करना चाहते हैं, आप कैफे पे बैठ जाएं, उस यूएसबी निकालें, उसमें लगाएं, जैसे वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करूंगा। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखें लेकिन होता यह है कि अब हमारी इमेज ये बनता जा रहा है कि जितने भी इंटरनेट कैफे हैं खुदा ना खास्ता उन सब में ये गहमा गहमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है, ज्यादातर में सही इस्तेमाल हो रहा है, और जहां कोई ऐसी चीज हो रही है या तो वो पोशीदा तौर पे है, अगर आवाम ऐसी शिकायत सामने ले आते हैं या एजेंसीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे अपने सोर्सेस से, तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह जितने लोग वहां देख रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 325-1762 पर, और वकार में 325 आपके सामने इस वक्त जो है नंबर होगा, ये नंबर जो है बार बार जब डायरेक्टर बोलते हैं तो वो भूल जाता हूं मैं, ये सामने लिखा हुआ नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक और लाइव कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? सर आसिफ मुनीर बात कर रहा हूं सियालकोट से। जी सर बताइए, आपके एरिया में कोई ऐसी चीज हुई हो या ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्टिविटीज या क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
नहीं सर, वकार भाई आपने जो ये आज फुटेज दिखाई है ये बहुत अच्छी फुटेज दिखाई है, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरनेट कैफे में इस तरह होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दोस्त पकड़े गए हैं उनको भी जरूर सजा दीजिएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कभी आप खुद ऐसी एक्टिविटी में शामिल हुए? नो सर। अच्छा, हर कोई अपने बारे में तो नहीं बोलेगा ना। थैंक यू सो मच आपके कॉल का। अच्छा, जितने लोग वो देख रहे हैं, देखें जब आप कॉल कर रहे हैं ना, कोई सजेशन भी दें, सिर्फ ये नहीं बोले बड़ी अच्छी आपने फुटेज दिखाई, बड़ा अच्छा ये था, अच्छा हमें पता है कितना अच्छा है। वकार, मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। देखिए, बात ये होती है कि हर चीज की सैंक्टिटी हम खुद तय करते हैं कि वो कितनी हमारे लिए मुकद्दस है, और हर चीज की सैंक्टिटी के लिए हमें तीन ही मायार बनाए। एक रिलीजियस उसका एस्पेक्ट होता है, एक एथिकल एस्पेक्ट है, और एक लीगल एस्पेक्ट है। पूरी दुनिया में यही है। इन्हीं तीन चीजों की गिरफ्त में किसी चीज की अच्छाई या बुराई के जो भी मायारात हैं वो पूरा क्राइटेरियन हम इस पे ही बेस करता है। अब कुछ कुछ जगहों पे अगर रिलीजियसली वो चीज गलत है और एथिकल गलत नहीं है, कुछ जगहों पे वो चीज एथिकली गलत है, लीगली गलत नहीं है, तो ये बड़े एस्पेक्ट्स देखना पड़ते हैं। सर, मैं तो ये कहता हूँ कि हमने सबने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है और अब रिलीजन के साथ ना एक मजाक किया हुआ है। हम कहते हैं जो चीज हमें खुद सही लग रही होती है हम कहते हैं यार ये सही है, जो चीज हमारे सही नहीं लग रही होती हम कहते हैं यार ये इस्लाम के मुताबिक है। क्योंकि अगर देखें इस्लाम की बात करें, अगर आप रिलीजियसली सोचें तो नामहरम मर्द से बात करना औरत का हराम है। कभी पुलिस उस पर एक्शन लेगी? नहीं लेगी ना। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल वही मेरे कहने का मकसद वही है, आपने बिल्कुल कैच कर लिया उसको। मेरे कहने का मकसद यही है कि बहुत सारी चीजें जो माशरे में खुद से रेगुलेट होती हैं वो उस माशरे की एथिकल वैल्यूज हैं। सही कह रहे हैं। और वैल्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस ही इसलिए है कि बहुत सारी चीजें ना दीन की गिरफ्त में आ रही होती है, ना लीगल किसी कानून की गिरफ्त में आ रही है। और हमारा मकसद ये नहीं था बिल्कुल भी इस इंटरनेट कैफे को बंद करवा के कि किसी के रोजगार को खत्म किया जाए, बेशक या किसी को सजा दी जाए। वो उस बंदे को भी हमने वहां से छुड़वाया फिर बाद में कि चलो यार आइंदा के लिए जो है ना आपको एक सबक मिले। और किसी को एक्सपोज करना, किसी की शक्ल दिखा के, हमारा बिल्कुल ये मकसद हरगिज नहीं है कि किसी का बदला लिया जाए। किसी ने कॉल करके कह दिया यार इनसे बदला ले लो, या किसी ने हमें ऐसी बदले के तौर पर कहा हो तो हमने बगैर इन्वेस्टिगेशन की कोई चीज कर दी हो। प्रॉपर एक दो हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद किया जाता है। जितने इंटरनेट कैफे वाले वहां देख रहे हैं आपके लिए भाई बहुत बड़ा सबक है ये। हम इस पर और भी बात करेंगे, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 3257162 पे, और आपके सामने नंबर होगा, क्योंकि नंबर बार बार मैं भूल रहा हूं, और नंबर आपके सामने होगा। आप wakarzaka@hotmail.com को अपने MSN पे ऐड कर सकते हैं। इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी आपके आसपास होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं, अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, कोई आपको बंदा तंग कर रहा है, तब भी आप हमसे राबता कर सकते हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो भी आपको तंग करेगा उसे हम तंग करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। एक इंटरनेट कैफे के ऊपर अभी आपने देखा, जो हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं कि आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि वहां पर ये होता है कि देखें जी फलाना इंटरनेट कैफे वहां ये हो रहा है, उस इलाके में ये हो रहा है। मैं समझता हूँ मीडिया का काम ये होना चाहिए अब कि किसी भी तरह आप अगर कहीं बुराई होते देखते हैं तो सिर्फ शूट ना करें, जाके खुद उसे रोकने की भी कोशिश करें। ये इतना मसाला भरने की जरूरत नहीं है शोज में। मसाला भरे स्पॉन्सर्स के लिए, कमर्शियल्स के लिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी निकाले। मैं समझता हूँ हर चैनल पर अगर ऐसा एक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बुराइयां काफी कम हो जाएंगी। एक लाइव कॉल है हमारे पास। जी, अस्सलाम वालेकुम।